स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हीटिंग ऑफ सॉल्ट के बारे में। ये कुछ जो भी आपके सॉल्ट होते हैं, चाहे वो नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, इनके कुछ रूल फॉलो करते हैं ये हीट करने पर। जब भी हम इसको हीट करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बनता है और कोई गैस रिलीज होती है, तो वही कुछ जनरल रूल होते हैं इनके, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इनसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं हीटिंग ऑफ सॉल्ट के बारे में। हीटिंग ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे नाइट्रेट की सॉल्ट के बारे में। नाइट्रेट के बारे में सबसे पहले जो सॉल्ट हमारा नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट किसी भी मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो हमेशा याद रखिए मेटल ऑक्साइड और NO2 गैस रिलीज होती है, साथ ही ऑक्सीजन भी यहाँ पर बनती है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो याद रखनी कि NO2 गैस रिलीज होती है और मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है? जो NO2 होती है वो ब्राउन कलर की होती है। याद रखेंगे कि आपके सिलेबस में केवल तीन ही गैस हैं जो ब्राउन कलर की होती हैं, एक ब्रोमीन, एक NO2 और एक CrO2Cl2। ये जो तीन गैसेस हैं ये आप याद रखेंगे, हमेशा ब्राउन कलर की होती यहाँ हैं। पर एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट का। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम नाइट्रेट है, मेटल यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया है कैल्शियम नाइट्रेट का। तो कैल्शियम नाइट्रेट को जब भी आप हीट करेंगे तो CaO एक कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है यहाँ पर रिलीज होती है, याद रखेंगे। ये सब चीज़ें याद रखनी की आपको, ठीक है? जनरल रूल है, सीधे सीधे आप याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो तीन एक्सेप्शन होते हैं वो इस जनरल रूल को, हमारे इस जो रूल है हमारा, ये जो रूल है हीट करने पर NO2 गैस निकलेगी, इस रूल को फॉलो नहीं करते। वो कौन कौन से हैं, देखिए। पहले तो आपके पास अगर अमोनियम नाइट्रेट होगा, NH4NO3 अगर आपके पास होगा, तो वो हीट करने पर हमेशा नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, NO2 को छोड़कर वो N2O की फॉर्मेशन करेगा, जो कि लाफिंग गैस इसको हम कहते हैं। पूछा जाता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला, सीधा सीधा नीट में याद रखेंगे। वहीं आपके जो मास होते हैं, मास बोले तो मरकरी, ये मैं इसको मास बुलाता हूँ, मरकरी और सिल्वर, तो ये जो मास होते हैं, मास के नाइट्रेट को हीट करने पर मास मिलता है, मास के नाइट्रेट को हीट करने पर मास मिलता है। मतलब यहाँ पर जब भी आप मरकरी या सिल्वर को, सिल्वर का अगर नाइट्रेट है उसको अगर आप हीट करेंगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, वापस से मतलब क्या कि आपको जो भी कंपाउंड है इनका, यहाँ पर सिल्वर और मरकरी ही मिलेगा, साथ ही NO2 गैस और O2 गैस रिलीज होगी जो कि यहाँ पर हो रही थी। फ़र्क बस इतना है, जो मेटल ऑक्साइड मिल रहा था यहाँ पर हमको, वो मेटल ऑक्साइड ना मिलकर यहाँ पर हमको सिल्वर और मरकरी ही मिलते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। और तीसरा जो एक्सेप्शन है वो है कि फर्स्ट ए के नाइट्रेट, जो हमारा जनरल रूल होता है, इसको फॉलो नहीं करते। इनके नाइट्रेट को जब भी आप हीट करेंगे तो वो NO2- का फॉर्मेशन करेंगे, नाइट्राइट की फॉर्मेशन करेंगे और हाफ ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है? इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मेटल ये है जो हमेशा ही कुछ अलग ही शो करता है, जो बाकी एलिमेंट्स है कुछ अलग शो करता है प्रॉपर्टीज, वो है हमारा लिथियम। बाकी सब तो हीट करने पर ये बनाएंगे कंपाउंड और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, लेकिन ये जनरल रूल को फॉलो करता है, ये अपने ही टसन में रहता है, हमेशा कुछ अलग ही करता है, तो इस वजह से ये नॉर्मल जनरल रूल यहाँ पर फॉलो करेगा, बाकी के साथ ही ये कभी भी नहीं जाता है, ठीक है? तो ये बात हो गई नाइट्रेट की। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरा सॉल्ट हमारे पास जो आता है, वो आता है सल्फेट। तो सल्फेट, आप किसी भी मेटल का अगर सल्फेट आपके पास हो तो हीट करने पर हमेशा याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रेट के केस में बनना था, और एक गैस रिलीज होगी, यहाँ पर जो गैस होगी वो SO3 होती है, ठीक है? ये हो गया हमारा जनरल रूल, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन दो एक्सेप्शन यहाँ पर भी हैं। पहला कौन सा, Fe SO4.7H2O, यहाँ पर वाटर लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। अगर लगा हुआ है तो अभी मैं बताऊंगा आपको, लगा है तो क्या होगा, नहीं लगा तो क्या होगा, ठीक है? तो आप जब भी आयरन के सल्फेट को, इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर जो नॉर्मल सल्फेट है एक गैस रिलीज होती है, लेकिन जब आप FeSO4 को हीट करते हैं तो Fe2O3 ऑक्साइड तो बनता ही है, साथ ही दो गैसेस रिलीज होती हैं, SO2 और SO3। अगर यहाँ पर वाटर है, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि वाटर होने पर क्या होगा, अगर यहाँ वाटर है जैसे कि इसमें ग्रीन विट्रॉल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वाटर निकलेगा। अगर यहाँ वाटर नहीं है तो यहाँ पर भी वाटर नहीं होगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे ही SO3 को ये वाटर मिलता है, तुरंत मिलके ये H2SO4 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी वजह से H2SO4 को हम
ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको रिवीजन कराते समय इनऑर्गेनिक का ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट ईयर के साथ लोचा फिर से होता है कि फर्स्ट ईयर के सल्फेट को हीट करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नॉट डिकम्पोज ओनली लूजेज वाटर। अगर इनके साथ वाटर है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया ये Na2SO4.10H2O, तो अगर आप हीट करेंगे तो ये जो 10H2O है इसको ये लूज़ कर देंगे, ये गायब हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ठीक है। Na2SO4 आपको बचेगा ही, ये इसका आप याद रखेंगे नाम, इसको हम ग्लोवल ग्लोवर सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, पूछ लिया जाता है तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा, आपको मैं एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप बात यहाँ पर चलिए ग्रीन विट्रोल की, तो कुछ थोड़ी सी रिएक्शन ग्रीन विट्रोल की और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि Fe(SO4.7H2O) को अगर आप नाइट्री वो नाइट्रिक ऐसे HNO3 और नाइट्रेट आयन या NO गैस किसी के भी साथ अगर आप ट्रीट करते हैं, ये कोई भी प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो या ये प्रेजेंट हो, सबके साथ ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो बनेगा कंपाउंड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो कंपाउंड बन के आता है, वो फॉर्मूला आपसे सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे Fe(NO)SO4.7H2O, ठीक है। और यहाँ पर और भी हो सकता है, ये वाला फार्मूला Fe(H2O)4NO ये दिया हो, या Fe(H2O)5NO ये दिया हो, +2 कुछ भी दिया हो, ये और ये तीनों फार्मूले आप याद कर लेंगे, कुछ भी दिया हो समझ लेंगे ग्रीन विट्रोल है। यहाँ पर खास बात ये होती है, यहाँ पर आयरन भी क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये एनओ भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। वैसे एनओ क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर +1 होती है इसकी भी, और इसकी भी +1 होती है एफ़ी की, ठीक है। अब यहाँ पर जो H2SO4 की बात चली, तो कुछ और H2SO4 के बारे में आप बताकर बताना चाहूँगा कि H2SO4 जो है वो 90% यहाँ एजोट्रॉपिक मिक्सचर पूछा जाता है, कि बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का एजोट्रॉपिक जो मिक्सचर होता है उसमें कितनी परसेंटेज होती है, तो 98% होता है। वहीं HNO3 भी अपना एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है जो 68.5% पर होता है, और HCl भी बनाता है जो 20.2% पर होता है। जैसे जैसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर की परसेंटेज का जो रेशियो वो घटता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी एसिटिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, घटती जाती है। ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी है, तो H2SO4 सबसे ज़्यादा एसिटिक होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ये कुछ डाटा हैं जो आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आइए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट के केस में क्या होता है कि अगर मेटल कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो एक मेटल ऑक्साइड, जैसे कि पहले भी बनता हुआ आया है सल्फेट और नाइट्रेट के केस में, वहीं वो बनेगा, साथ ही CO2 गैस रिलीज होती है। मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर CO2 गैस रिलीज होती है, याद रखेंगे। मेटल ऑक्साइड तो कॉमन है, बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, वही मास यहाँ पर एक्सेप्शन है, मास यहाँ पर एक्सेप्शन है। मास मतलब मरकरी एंड सिल्वर के कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो मास ही मिलेगा, मास को हीट करने पर मास ही मिलता है, मतलब मरकरी और सिल्वर दोनों मेटल ही आपको मिलेंगे, साथ ही CO2 और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। ये कुछ हैं जो याद रखने, मास को तो हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। वहीं फर्स्ट ईयर के कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं, हीट करने पर कोई भी असर इन पर नहीं बनता, लेकिन मैंने बताया था एक हमेशा लोचा करता है इनमें, अपना अलग ही टसन इसका होता है लिथियम का, हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है। जनरल रूल जो हमारा ये है, इसी को ये फॉलो करता है लिथियम, और किस में फॉलो करता था, और किस में फॉलो करता था बताइए। अभी मैंने आपको बताया था लिथियम जो होता है हमेशा ही अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है, अभी मैंने बताया था नाइट्रेट के केस में भी यही चीज़ होती थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे नाइट्रेट के केस में होती थी, कार्बोनेट के केस में भी यही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाइकार्बोनेट के बारे में। बाइकार्बोनेट को हीट करने पर मेटल कार्बोनेट CO2 और H2O बनता है, ऐसी है, ये हमारा हो गया जनरल रूल इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस ब्लॉक के रिवीजन जब मैं करा रहा था कि लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो हमेशा एक्वस फेज में एग्जिस्ट करता है, बाकी जो अदर फर्स्ट के जो होते हैं वो हमेशा सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ ही मैंने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी आपको बताया था जब मैं पी ब्लॉक का रिवीजन करा रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि आप कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट किसी को भी एसिड के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, साथ ही सी ओ टू गैस रिलीज होती है। कार्बन फैमिली में मैं बता चुका हूँ सी ओ टू वर्क एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में इसका यूज करते हैं, ये कुछ याद रखेंगे ठीक है। साथ ही कुछ जनरल प्रॉपर्टी, जनरल रूल होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमेशा ये पूछे जाते हैं। इसका यूज ज़्यादातर होता है बेटा, है तो इनऑर्गेनिक का पार्ट, लेकिन ये जो सम इम्पॉर्टेंट रूल जो करके मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका यूज आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। कैसे, देखिए जो इम्पोर्टेंट रूल है वो अभी बात कर ले रहे हैं कि किसी भी मेटल को अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका मेटल का कंपाउंड तो बनेगा ही, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस कितनी रिलीज होगी, N/2। ये N क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी आधी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यही आपको याद रखना है। मान लीजिए एल्युमिनियम को अगर मैं एसिड के साथ ट्रीट कर दूं तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, तो प्लस जो होता है 3/2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। साथ ही एल्युमिनियम का कोई भी कंपाउंड बने उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है हाइड्रोजन गैस रिलीज होने से। ये तो हो गया हमारा मेटल, हमारे बेसिक मेटल। लेकिन अगर आपका कोई भी एम्फोटेरिक मेटल है तो वो NaOH के साथ भी रिलीज करेगा और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर भी फॉर्मेशन होती है, सही है। और समथिंग कुछ भी बनेगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो हमारे NaOH के साथ रिएक्ट करने पर भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि एलुमिनियम हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो NaOH के साथ भी जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कुछ और भी बनेगा उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। वहीं आपके भी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मेटल का कोई भी अगर आपके पास नाइट्राइड हो, सल्फाइड हो या हाइड्राइड हो, उनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नाइट्राइड के केस में अमोनिया गैस बनेगी, फॉस्फाइड के केस में फॉस्फीन गैस बनेगी, हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो गैस होती है यहाँ पर रिलीज होती हैं, ठीक है। कितनी मोल अच्छा बनेगी तो ये डिपेंड करता है कि नाइट्राइड में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, फॉस्फाइड में फॉस्फोरस की संख्या, और हाइड्रोजन तो वही चार्ज के बराबर होती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वही जनरल रूल फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस एल्युमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो यहाँ पर एक एल्युमिनियम कंपाउंड बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही अमोनिया रिलीज होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन अमोनिया क्या होगी, रिलीज होगी। Ca3P2 में फॉस्फोरस 2 हैं तो यहाँ पर 2 मोल फॉस्फीन रिलीज होगी। वहीं CaH2 यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, याद रखेंगे। एक Ca3P2 के बारे में एक ख़ास बात और होती है, इसको हम यूज करते हैं स्क्रीन स्मोक रिएक्शन में पूछ लिया जाता है, और या फिर हॉर्न सिग्नल में, ये कुछ पूछा है आपको हॉर्न सिग्नल में किसका यूज करते हैं, स्मोक स्क्रीन रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, तो Ca3P2 का यूज करते हैं। ये कुछ जनरल रूल हैं, ये आपको याद रखने हैं, हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बैकबोन का काम करते हैं आपकी केमिस्ट्री को सुधारने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका एस ब्लॉक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।